यहाँ पे पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है। देखो हालत देखो, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और सांस भी फूल गया है। ब्राउन होने तक शेक ले, खाना नहीं खाया जाता बिना नाटक के। गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। दोस्तों आज तो बेड से नीचे ही नहीं उतरने दिया, उससे पहले ही काम लगा दिया। ये देखो इन सभी शर्ट्स के मैंने बटन बंद किए हैं और इतने सारे कपड़े ये प्रेस के लिए रखे हैं। यहाँ पर मैडम जी प्रेस कर रहे हैं। क्या हुआ, बेड से नीचे निकलने से काम लगा दिया? दो शर्टों के बटन लगाए नहीं आपने? दो क्या, इन सभी के मैंने ही लगाए हैं बटन जो मैं घंटे से बैठी हूँ। एक शर्ट प्रेस की है उसमें बोल रही है कि मैं घंटे से बैठी हूँ। देखो यहाँ पर एक ही शर्ट रखी हुई है। आपके प्रेस होगी, कपड़े रखे गए हैं ना, तो आपको बात आ रही है। अच्छा क्या बोल रहे थे, सुबह सुबह मेरे को फंसा दिया एक प्रेस के काम को लेकर बोल रही है, फंसा दिया मेरे को। फंसाने का मतलब जो काम आपको सबसे गंदा लगता है ना करना, फिर वो मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप फंस चुके हो। ये तो शादी करके फंस गया यार। सही है, ये बात तो सही है। आप तो फंसे ना फंसे, आप तो सही रह रहे हो। अच्छा और वो किसने कहा? यहाँ पे पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया है। राजस्थान का सिलेबस चल रहा था, एक शहर और गांव का वो भी बदल गया। वो भी है। चाय वगैरह पी के मैं घर से बाहर आया हूँ कुल्हाड़ी लेके। कल परसों जो आंधी आई थी दोस्तों, उससे ये पेड़ टूट चुका है। इसकी जो एक डाली है वो टूट चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस खेत को हम तैयार करेंगे अगली फसल के लिए। ये देखो कितनी बड़ी डाली टूट गई थी आंधी से। वैसे दोस्तों आंधी बहुत तेज थी, पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ दिए थे। अब मैं इस डाली को छोटे छोटे टुकड़े में काटूंगा और फिर इसको खेत से बाहर लेके जाऊंगा। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, दिखने में छोटा लग रहा है पर हम इसको घसीट नहीं सकते, बहुत भारी है ये। अभी मैंने इस लकड़ को काट के पूरा छोटा कर दिया है। देखो हालत देखो, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ और सांस भी फूल गया है। यहाँ से पूरी डाली काट के हमने वहाँ पर रख दिया है, वो लकड़ी जलाने के काम में आ जाएगी। ये मोटे मोटे लकड़ भैंसों को बांधने में काम आएंगे। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको जमीन में गाड़ देंगे और भैंसों को इनको बांध देंगे। भाई खाना खा के मैं रेस्ट करने लग गया था और शाम को मैं वीडियो शूट करने आया और अभी आंधी आ चुकी है। ये देखो आंधी, देखो पूरा धूल धूल से भरा, ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखिए ये आंधी है भाई, दूर दूर तक धूल ही धूल नजर आ रही है। ऊपर आसमान में भी धूल नजर आ रही है, इस साइड भी धूल ही धूल नजर आ रही है। अभी काम खत्म करके घर पर पहुंचा हूँ। सब्जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किस चीज की सब्जी बनाई यार? पापड़। आज हम पापड़ की सब्जी बना रहे हैं। मैंने इसके अंदर लहसुन कूट के और उसके अंदर हल्दी मिर्च नमक और धनिया पानी में मिला के पहले उसको सेका है और अब मैंने इसके अंदर प्याज डाली है। अब हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे पानी। इसमें पानी डाल दिया, अब पानी को बॉईल होने तक रखेंगे, फिर इसमें पापड़ डालेंगे। पापड़ की सब्जी पानी थोड़ा ज्यादा लेती है। मैं यहाँ पे पहली बार पापड़ की सब्जी बना रही हूँ और मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कैसी बनेगी और इनको कैसी लगेगी। चलो अभी पानी बॉईल होने देते हैं। हमारी पापड़ की सब्जी बन के तैयार है। वैसे सब्जी ये बहुत टेस्टी बनाती है। अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगा थोड़ा सा घर का काम निपटाने के बाद। तो भाई यहाँ पर नाटक चल रहा है और यहाँ पर मैडम खाना खा रही है। खाते टाइम हर वक्त देखो ऐसे ही नाटक देखती रहती है, कभी क्राइम पेट्रोल तो कभी ऐसे नाटक से चलते रहते हैं। खाना नहीं खाया जाता बिना नाटक के। फिर आराम आराम से खाती है, स्पेशल तकिया लगा के इसको, एकदम स्क्रीन अपनी ओर की है। मैं खाना खा चुका हूँ, खा रही है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में।